हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन ऑन नेट झारखंड के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है आज है 20 जनवरी 2021 और आज के इस वीडियो में हम लोग 18, 19 और 20 इन तीन दिनों के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं और इन तीन दिनों से झारखंड करंट अफेयर्स से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे तो वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से जरूर देखा कीजिए क्योंकि हर एक क्वेश्चन के साथ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस किए हैं और वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है चूंकि मैं दो दिनों से आप लोगों को झारखंड करंट अफेयर्स का वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाया था क्योंकि किसी इशू के कारण और मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी थी तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इन तीन दिनों के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारा लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके डेली मॉर्निंग पांच बजे यहाँ पे झारखंड करंट अफेयर्स की एक महत्वपूर्ण वीडियो प्रोवाइड की जाती है तो आप इसे डेली बेसिस पे जरूर से देखा कीजिए इसके साथ ही वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं सारी वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाती है चलिए आज के के झारखंड करंट अफेयर्स सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं सबसे पहला प्रश्न है पिछले चौंतीस साल से हाउसिंग प्रोजेक्ट पर कार्य करने वाली कंपनी एसोटेक हिल्स ने सर्वप्रथम किस नाम से झारखंड में आवास विभाग के साथ एमओयू किया था हाउसिंग प्रोजेक्ट की कंपनी है एसोटेक हिल्स ठीक है और इस कंपनी ने सर्वप्रथम मोमेंटम नाम से झारखंड में आवास विभाग के साथ एमओयू किया था तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दैट इज मोमेंटम तो चलिए इस प्रश्न से संबंधित हम लोग यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिटेल्स में देख लेते हैं एसोटेक हिल्स नामक कंपनी चौंतीस साल से झारखंड समेत देश के विभिन्न राज्यों में निर्माण कार्य से जुड़ी है और वर्ष 2017 में रांची में संपन्न मोमेंटम झारखंड में आवास विभाग के साथ करार एवं एमओयू के बाद हिल्स नाम से हाउसिंग प्रोजेक्ट आरंभ किया गया था नेक्स्ट पॉइंट में दी गई इससे लोगों को आवासीय भवन निर्माण कर दिया जाना है तो इससे लोगों के लिए आवासीय भवन का निर्माण किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में कफस में जिंदगी

कामेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव निरंकुश द्वारा सृजित दो पुस्तकों कफस में जिंदगी एवं सन्नाटे की चीख इसका लोकार्पण किया गया निरंकुश की सृजित दोनों पुस्तकें कोरोना काल की त्रासद स्थिति से परिचय कराती है एवं समाज के आम नागरिकों को सरकार द्वारा सुझाए गए नियमों के पालन कराने के लिए जागरूक करती है ठीक है तो इसको भी याद रखा करेंगे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किस नगर निगम द्वारा ई e ऑफिस की शुरुआत की गई है ई e ऑफिस की शुरुआत की गई है अभी हाल ही में रांची नगर निगम द्वारा तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ रांची तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में देखते हैं रांची नगर निगम अपने नए भवन में ई e ऑफिस सर्विस शुरू करेगा इसके बाद ई e ऑफ़िस को पूरी तरह से लागू करने की तैयारी है जिससे कि फाइलों का बोझ कम हो जाएगा इसके अलावा यहाँ पे दी गई है वहीं काम कराने में पारदर्शिता आएगी तथा कागज की भी बचत होगी तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किसके द्वारा फरिश्ते और मेरी सहेली दो अभियान है फरिश्ते और मेरी सहेली नामक अभियान चलाया जा रहा है तो अभी हाल ही में आर यानी रेलवे पुलिस फोर्स आर द्वारा फरिश्ते और मेरी सहेली नामक अभियान चलाया जा रहा है तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए इस प्रश्न से संबंधित हम लोग यहाँ पे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिटेल्स में देख लेते हैं आरपीएफ द्वारा इन दिनों फरिश्ते और मेरी सहेली नामक अभियान चलाया जा रहा है नन्हे फरिश्ते अभियान के तहत किशोर और किशोरी की मदद की जा रही है उन्हें तस्करों के चंगुल से छुड़ाया जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट है वहीं मेरी सहेली अभियान के तहत अकेली सफ़र करने वाली महिलाओं की मदद की जा रही है और उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा रही है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में भूगर्भ शास्त्रियों द्वारा विश्व स्तरीय लैब में शोध को लेकर रांची विश्वविद्यालय तथा किस संस्थान के बीच करार हुआ है तो अभी हाल ही में भूगर्भ शास्त्रियों के लिए विश्व स्तरीय लैब में शोध को लेकर रांची विश्वविद्यालय तथा आई यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दैट इज आई के बीच करार हुआ है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में देख लेते हैं हाल ही में रांची यूनिवर्सिटी और आई के बीच एमओयू हुआ रांची विश्वविद्यालय में भूगर्भ शास्त्र विषय में अध्ययन या अध्यापन कर रहे छात्र शिक्षक और शोधकर्ता को अब धनबाद स्थित सी एस आई आर सी आई एम एफ आर के विश्व लैब का उपयोग कर सकेंगे यानी रांची विश्वविद्यालय में भूगर्भ शास्त्र सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर रहे छात्र शिक्षक और शोधकर्ता अब विश्व लैब में प्रैक्टिकल कर पाएंगे ठीक है चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाई जाती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाई जाती है तो यह जो है पच्चीस जनवरी कब पच्चीस जनवरी को हर वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाई जाती है तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं यहाँ पे जैसे दी गई है राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत कुल कितनी सेवाएं शामिल की गई हैं झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत अभी हाल ही में कुल 12 सेवाओं को शामिल किया गया है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा दैट इज 12 सेवाएं शामिल की गई हैं तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में देख लेते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्पाद व मध्य निषेध विभाग की नौ ऊर्जा विभाग की दो और उद्योग विभाग की एक लोक प्रदायी सेवा को झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है सेवा के अधिकार में शामिल हो जाने के बाद ऐसी सेवाओं के लिए आम लोगों को एक निर्धारित समय के अंदर लाभ मिलना तय हो जाता है और इससे बहुत ही सहूलियत होती है ठीक है चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं झारखंड में पहली बार केले की खेती कब शुरू हुई तो झारखंड में पहली बार केले की खेती शुरू हुई है 2011 को ठीक है तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दैट इज 2011 में झारखंड में पहली बार केले की खेती शुरू की गई है चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में देख लेते हैं वर्ष 2011 में ओम प्रकाश गुप्ता ने किसानों को प्रेरित कर केले की खेती शुरू करवाई यह पहली बार था जब झारखंड राज्य में केले की खेती शुरू हुई नेक्स्ट पॉइंट है ओम प्रकाश गुप्ता ने खेती की उन्नत तकनीक की ट्रेनिंग इसराइल में ली है इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखा कीजिएगा ओम प्रकाश गुप्ता से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है कि इन्होंने ट्रेनिंग कहाँ से ली है तो इज़राइल से इन्होंने ट्रेनिंग ली है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राज्य में रोजगार सृजन हेतु एल द्वारा निम्न में से कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही है एल कंपनी द्वारा निम्न में से कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही है राज्य में रोजगार सृजन को लेकर तो यहाँ पे जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा संचालन एल आई सी कंपनी द्वारा लाइफ तो ऑप्शन होगा एवं बी दोनों चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में देखते हैं जिससे कि प्रश्न क्लियर हो सके एल आई सी द्वारा राज्य में रोजगार सृजन हेतु कार्य किया जा रहा है तो इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के स्नातक उत्तीर्ण युवाओं के लिए आर एवं शहरी क्षेत्र के युवाओं के लिए यू नामक योजनाएं संचालित हैं ठीक है ये दो योजनाएं संचालित की जा रही हैं रोजगार सृजन को लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में झारखंड के किस जिले के अंचल को आबादी के बढ़ते दबाव के कारण विभक्त किया गया है आबादी के बढ़ते दबाव के कारण झारखंड के किस जिले के अंचल को विभक्त किया गया है तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी चतरा ठीक है चतरा जिले के अंचल को यहाँ पे जो है विभक्त किया गया है आबादी के बढ़ते दबाव के कारण तो हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में देखेंगे कि चतरा जिले के किस अंचल को विभक्त किया गया है तो चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हम लोग पे डिटेल्स में देख लेते हैं चतरा जिले के टंडवा अंचल को विभक्त कर दो नए अंचलों के गठन से संबंधित राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दे दी है तो यहाँ पे अंचल का नाम याद रखा कीजिएगा टंडवा अंचल ठीक है चतरा जिला के टंडवा अंचल को दो भागों में विभक्त किया गया है और इसकी स्वीकृति मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी दे दी है यह टंडवा वन और नव सृजित अंचल टंडवा टू के नाम से जाना जाएगा आबादी के बढ़ते दबाव के कारण इस अंचल को दो भागों में विभक्त करने की मांग लंबे समय से चल रही थी टंडवा में एन की विद्युत ताप परियोजना स्थापित है ठीक है तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे हम लोग एन की विद्युत ताप परियोजना भी यहाँ पे स्थापित की गई है चतरा जिले के टंडवांचल में चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में सड़क किनारे लवारिस वाहन छोड़ने पर निम्न में से किस धारा के तहत कार्रवाई का प्रावधान है तो सड़क किनारे अगर आप लवारिस वाहन छोड़ते हैं तो किस धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी धारा को मोटे तौर पर याद रखेंगे हम लोग धारा दो सौ तिरासी बाय दो सौ नब्बे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा दैट इज धारा दो सौ तेरासी बाय दो सौ नब्बे इसके हम यहाँ पे डिटेल्स में देखते हैं सड़क के किनारे लवार वाहन छोड़ने वाले लोगों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा दो सौ तिरासी बाय दो सौ नब्बे के तहत कार्रवाई की जाएगी अगर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो थानेदार जिम्मेवार होंगे नेक्स्ट पॉइंट है वैज्ञानिक शोध में भी यह पाया गया कि ऐसे वाहनों के कारण पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचाई जा रही है जो पंद्रह बाई सोलह पर्यावरण अभिरक्षा अधिनियम उन्नीस के तहत अपराध है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं झारखंड में पहली कोरोना वैक्सीन वैक्सीन किसे लगाई गई है तो झारखंड में पहली कोरोना मरियम गुड़िया को लगाई गई है ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखते हैं झारखंड में कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची सदर अस्पताल में की रांची सदर अस्पताल की सफाई कर्मचारी मरियम गुड़िया को पहली कोरोना वैक्सीन लगाई गई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही फुटबॉल का हब बनाया जाएगा झारखंड को चलिए इस प्रश्न से संबंधित हम लोग इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स भी डिटेल्स में देख लेते हैं झारखंड अब फुटबॉल का हब बनने जा रहा है मुख्यमंत्री सह खेल मंत्री हेमंत सोरेन की पहल और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के तत्वाधान में दो टीमों के कैंप लगाने पर सहमति बन चुकी है जमशेदपुर के टाटा फुटबॉल कॉम्प्लेक्स में इस कैंप का आयोजन किया जाएगा तो इन पॉइंट्स को भी हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे चलिए अब हम लोग लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर देखने वाले हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना था तो आप लोगों ने आंसर देने की कोशिश की है हम लोग यहाँ पे आंसर को डिटेल्स में देखते हैं क्वेश्चन है राज्य सरकार द्वारा किस गांव के घरों को सांस्कृतिक टूरिज्म के तहत मॉडल गांव के रूप में विकसित करने की योजना है तो मॉडल गांव के रूप में विकसित करने की योजना है सिरसी नेत्रहाट के सिरसी गांव को ठीक है यहां पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दैट इज सिरसी गांव को राज्य सरकार द्वारा सांस्कृतिक टूरिज्म के तहत मॉडल गांव के रूप में विकसित करने की योजना है चलिए इससे संबंधित हम लोग इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिटेल्स में देख लेते हैं राज्य सरकार द्वारा नेत्रहाट के आदिवासी बहुल सिरसी गांव में निर्मित मिट्टी के घरों को सांस्कृतिक टूरिज्म के तहत मॉडल गांव के रूप में विकसित करने की योजना है नेक्स्ट पॉइंट है सिरसी गांव में होम स्टे स्कीम की शुरुआत की जानी है ताकि बाहर के पर्यटक हमारे राज्य की संस्कृति को नज़दीक से देख एवं यहां के स्वादिष्ट व्यंजन का स्वाद ले सकें तो इस परपज़ से जो है इस गाँव को मॉडल गाँव के रूप में विकसित करने की योजना है चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है क्वेश्चन है तिरुफॉल किस शहर में स्थित है तो तिरुफॉल किस शहर में स्थित है ये आपको बताना है ऑप्शन है रांची धनबाद जमशेदपुर या हजारीबाग तो प्रयास कीजिएगा इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकें तो फ्रेंड्स ये था 18, 19 और 20 इन तीन दिनों के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक कीजिए चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे